अस्सलामुअलैकुम टू क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना कल का काम कर लिया होगा। चले हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ 18 अक्टूबर। आज का काम शुरू करने से पहले इल्मे इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। इल्मे इजाफे की दुआ, रब्बी जिदनी इल्मा। चले जी, अब सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 86 ओपन करें। पेज नंबर 86 में फर्स्ट 11 लाइंस जो हैं वो आज की आपकी रीडिंग है। सब बच्चे यहाँ पे डेट लगा लें। हाँ जी, वंस देयर लिव सम आंट्स एंड ग्रास हूपर्स इन द फील्ड। एक दफ़ा एक खेत में कुछ चूंटियाँ और टिडियाँ रहती थी। वन समर डे द ग्रास हूपर वर प्लेइंग एंड डांसिंग इन द सन। एक गर्मी के दिन में कुछ ग्रास हूपर टिडियाँ गर्मी धूप में खेल रही और नाच रही थी। जस्ट देन अ फ्यू आंट्स हैपन टू पास बाय। तभी कुछ चूंटियों का वहाँ से गुजर हुआ। द ग्रास हूपर्स लुक एट द आंट्स हु सीम्ड वेरी बिजी। टिड्डियों ने चूंटियों को देखा जो बहुत मसरूफ़ लग रही थी। दे वर वर्किंग वेरी हार्ड इन द समर सन। वो गर्मी की धूप में बहुत सख्त मेहनत कर रही थी। वन ऑफ द ग्रास हूपर आस्क द आंट। उनमें से एक टिड्डे ने चूंटियों से पूछा, व्हाई आर यू ऑल वर्किंग सो हार्ड। तुम सब इतना सख्त काम क्यों कर रहे हो? कम एंड प्ले विद अस इन द फील्ड। आओ और हमारे साथ मैदान में खेलो। हाँ जी, आज का आपकी जो रीडिंग है यहाँ तक कि आपने जो ये डिक्टेशन वर्ड्स हैं ये भी याद करने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पे है जी ए फोनिक्स प्रैक्टिस, पार्ट आई, पार्ट डबल आई और खी टू लर्न। हाँ जी, इन सब पे डेट लगा लें। हाँ जी, सबसे पहले हम खी टू लर्न पढ़ लेते हैं। सम वर्ड्स हैव प्लूरल दैट एंड एन और इज साउंड, ठीक है ना? कुछ प्लूरल्स होते हैं जिनकी जो एंडिंग साउंड होती है वो होता है स और ज, ठीक है? रीड द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स को हमने रीड करना है। साउंड वाले जो हैं क्या है जी? बुक। क्या है जी इसका? बुक्स। पॉट, पॉट्स। लिप, लिप्स। ज साउंड वाले हैं फैन, फैंस। बैग, बैग्स। पिन, पिन्स। अब नेक्स्ट है ज साउंड वाले, पेज, पेजिज। ग्लास, ग्लासेस। डिश, डिशेस। नेक्स्ट है जी पार डबल आई, से द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। हाँ जी, इन वर्ड्स को आपने रीड करना है और जो करेक्ट कॉलम है उसमें हमने राइट करना है। फर्स्ट वर्ड है आंट्स, ग्लव्स, बॉक्स, बॉक्सेस, हैट्स, फॉल्स, वॉचेस, ठीक है? अब जो इसमें करेक्ट कॉलम है उसमें हमने ये वर्ड जो है वो राइट कर देना है। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 पे है जी कम्प्रीहेंशन टाइम पार्ट आई, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपने याद करना है, वेयर डिड द आंट्स एंड ग्रास हूपर लिव्ड। तो इसका आंसर क्या है? द आंट्स एंड ग्रास हूपर लिव्ड इन अ फील्ड, ठीक है? ये आपने जो है वो याद करना है। हाँ जी, पेज नंबर 88 पे जो पार्ट डबल आई है वो आपका आज का एस वर्क है, ठीक है? ये आपने अच्छे से राइट करना है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।